वेलकम बैक गाइस, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनली गाइस, यहां पर अनडॉन गेम का अर्ली एक्सेस आ चुका है इंग्लिश वर्जन वाला। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके गेम प्ले को देखने वाले हैं, उसके फीचर्स दिखाने वाला हूं गाइस आपको मैं। साथ ही में बात करने वाले, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो इंडिया में भी। तो चलो फिर गाइस यार वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना। तो गाइस ये जो गेम है ये एक ओपन वर्ल्ड और साथ ही साथ ज़ॉम्बी शूटर एंड साथ ही में सर्वाइवल गेम भी आप इसको बोल सकते हो। एंड एक मेन चीज और, ये आपको मल्टीप्लेयर देखने के लिए मिलेगा, वो चीज आगे बात करूंगा, आगे बताऊंगा। और इस गेम को गाइस मतलब बनाया गया, मतलब तीन फेमस कंपनी ने बनाया, जैसे कि आपको पता ही होगा लाइक गरीना, लेवल इन्फिनाइट और लाइट स्पीड स्टूडियो, जो कि पबजी और फ्री फायर के डेवलपर्स हैं आपको पता है। पर जो गरीना वाला वर्जन है ना वो अलग वर्जन है, एंड जो इंग्लिश वाला वर्जन जो आया है वो अलग वर्जन है। मतलब इनकी दोनों की डिफरेंट वेबसाइट है, वेबसाइट है, गेम तो सेम ही है बट वेबसाइट दोनों की अलग है, मैंने देखा था। सो गेम की बात करें, गेम प्ले वगैरह की, तो सभी कुछ बैकग्राउंड में चल जाएगा एंड आप अच्छे से देख सकते हो। बाकी आगे भी मैं गेम प्ले के फीचर्स एंड गेम प्ले आपको दिखा दूंगा। तो गाइस बात करते हैं, जो ये गेम है ये इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। सो इंडिया में अवेलेबल क्यों नहीं है ये तो आपको पता ही है, फ्री फायर एंड पबजी दोनों इंडिया में बैन है एंड उन्हीं कंपनी का ये गेम है, तो इंडिया में ये ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। सो अगर आपको डाउनलोड वगैरह करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं पहले, एंड उसके बाद हम गेम के गेम प्लेस वगैरह एंड और सारी फीचर्स बारे में बात करेंगे। बाकी गेम प्ले तो बैकग्राउंड में चल ही रहा है, मेरा ही गेम प्ले है, मैंने ही खेला था वो, एंड मैंने पीसी में खेला था, सेम गेम है पीसी पे एंड मोबाइल पे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं अलग खेल रहा हूँ, सेम टू सेम गेम है एंड सेम ही चीज है। सो अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर कि कैसे डाउनलोड वगैरह आप कर सकते हो। तो प्ले स्टोर के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वही सीन रहता है, क्लियर डाटा वगैरह करके वीपीएन में कनेक्ट करके अपने अकाउंट स्विच करके, या फिर आपको नया अकाउंट बनाना पड़ता है। बट प्ले स्टोर में ना बहुत बंदे नहीं कर पाते तो उस वजह से ना दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो गेम को अगर आप चाहते हो तो। बट गाइस डाउनलोड करने से पहले पूरी वीडियो देख लेना, साइज वगैरह के बारे में भी हम एंड में बात करेंगे। सो अभी से डाउनलोड करने मत चले जाना, अभी पहले आप बात सुन लो। अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो आपको एक XAPK देखने के लिए मिलेगी, डायरेक्ट APK नहीं होती वो। तो XAPK को गाइस आप सिंपली प्ले स्टोर पे कोई भी XAPK इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना, उसको खोलने के बाद आपने जो गेम डाउनलोड करा है वो आपको वहां शो हो जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी पीसी में अगर आपको डाउनलोड करना है तो इनकी वेबसाइट पे जाकर आप सिंपली इनकी वेबसाइट पे चले जाना अनडॉन की, और वहां पर आपको पीसी वाला देखने को मिल जाएगा। अगर आप पीसी से चलाओगे तभी आपको वहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पीसी में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एक सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड उसके अंदर फिर आगे का डाटा डाउनलोड होगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कितना होगा। और गेम प्ले की बात करेगा, इस गेम प्ले आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा, मतलब ये सेम ही गेम प्ले हमने बहुत पहले देखा था, बट अभी काफी ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं, कुछ ग्राफिक्स में इंप्रूवमेंट हो चुकी है। एंड जो गाइस आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो, मेरा ही गेम प्ले है एंड बिल्कुल मैक्स ग्राफिक्स का गेम प्ले है, तो आप वो अच्छे से देख सकते हो। एंड गेम के बात करें, शूटिंग वगैरह बहुत सही थी एंड मूवमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी लगी, और सभी कुछ गेम में एकदम परफेक्ट लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एक सर्वाइवल ओपन वर्ल्ड गेम है, और इसमें गाइस आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं। लाइक शुरू में आपको कैरेक्टर कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, आप बहुत ही यूनिक तरीके का कैरेक्टर अपना बना सकते हो, A to Z, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। बाकी आपको इसमें स्टोरी देखने के लिए मिलते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें आपको मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रियल प्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे ही आप अपनी स्टोरी कर रहे हो कंप्लीट वैसे ही और ऑनलाइन प्लेयर्स आपके साथ ही में वहीं आपको दिख जाएंगे, जो भी ऑनलाइन प्लेयर्स होंगे वो भी उसी तरीके से अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रहे होंगे। और यहां पर गाइस आप जो प्लेयर्स हैं उनके साथ चैट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, टीम अप कर सकते हो उनके साथ इमोट्स वगैरह भी कर सकते हो एंड उनको अपने फ्रेंड बना सकते हो, अपनी टीम में ले सकते हो, टीम अप कर सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो एंड अपने फ्रेंड लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह भेज के एंड वॉइस चैट वगैरह आप के साथ कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं एंड इसमें आप अपने मतलब सर्वाइवल के लिए हाउसेज वगैरह बना सकते हो, आपको अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना होता है ज़ॉम्बीज वगैरह से, एंड साथ ही में आपको एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस भी मिलता है जिससे आप अपनी हेल्थ वगैरह को ऑब्जर्व कर सकते हो, सारी चीजें आप देख सकते हो। बाकी गेम प्ले वगैरह जो भी था वो सारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड आप आगे अच्छे से भी एंजॉय कर सकते हो। और गेम की बात करें साइज के बारे में मोबाइल के एंड पीसी के, तो जो मोबाइल में इसका साइज रहने वाला है गाइस XAPK के अगर आप डाउनलोड करते हो तो 300 कुछ MB की वो होगी, एंड अगर आप प्ले स्टोर से भी करते हो वो भी 300 कुछ MB का डाउनलोड होगा, बट गेम के अंदर में गाइस जाकर लगभग 5 से 6 GB का और डाउनलोड होगा। सो जो कर सकता है वही डाउनलोड करना, क्योंकि मैंने बता दिया डाउनलोड कैसे करना है, और तो जो कर सकता है वो डाउनलोड कर लेना मोबाइल में। और पीसी की बात करें तो गाइस पीसी में आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन करने के बाद लगभग 12-13 GB का पीसी में इंस्टॉल होगा, पीसी में डाउनलोड होगा। सो ये कुछ सीन होने वाला है अनडॉन गेम का। गेम की बात करें गाइस काफी अच्छा था, गेम प्ले तो आप अच्छे से देख ही सकते हो बैकग्राउंड में, एंड कमेंट करके गाइस मेरे को और बता देना इसकी और सीरीज लेकर आऊं क्या, और भी गेम प्लेस वगैरह और भी चीजें करके। यही था गाइस वीडियो में, वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर तो कर देना सब्सक्राइब, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।